हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे आप सब लोग? आई होप यू गाइस डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं व्लॉग क्योंकि आज है अमावस। नहीं यार, आज मैं जा रही हूँ अपने बड़े पापा के पास, मतलब जो मेरे सबसे बड़े ताऊ जी हैं उनके पास। मेरे पापा और पांच भाई हैं, तो जो सबसे फर्स्ट नंबर वाले हैं ना, उनके नीज का ऑपरेशन हुआ है। तो मैं और यश जा रहे हैं बड़े पापा के पास। और मतलब मेरे पापा, दादी और मोहित भी आएंगे। तो बस जा रही हूँ अभी। 11 बजे का टाइम हो गया है सुबह के, और खाना वगैरह सब खा लिया है क्योंकि आज अमावस थी, तो सुबह जल्दी बना था खीर और पूरी सब्जी। यहाँ पे खीर बन के रेडी हो गई है, दिखा देती हूँ थोड़ा। ये ठीक है। और यहाँ पे हमारा लग गया है आटा, और इधर बन रही है आलू की सब्जी। बॉयल हो गया आलू, और इधर मैंने इसका तैयार, मंडी है मतलब दादाजी की, तो उसको भी पूछ के आना होता है जल्दी अमावस वाले दिन। संस्कार। तो सारी पूजा पाठ और खाना वगैरह हो गया है। ना चुकी हूँ मैं, लग नहीं रही हूँ, बेशक नहाई हुई पर ना चुकी हूँ। बस कपड़े पहने रहते हैं, और यश नीचे गए हुए हैं नहा धो के, और बस वो खाना खा रहे हैं। इतने मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर चलते हैं। तो यस गाइस, कुर्ती पहन ली है मैंने, मतलब आप देख सकते हो ऐसा बेसिक सा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज्यादा बाहर। बस सुबह मैं नहाई थी तो मैंने अपना स्किन केयर तो कर ही लिया था, अब सनस्क्रीन नहीं लगाई थी बट उस टाइम पे, तो अब मैं सोच रही हूँ सनस्क्रीन लगा के और डिब्बम लगा के खत्म करते हैं। क्या हो गया, आज ही तो मंगवाई थी। डैप 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 डैप। और अब हम लगाते हैं अपना ये वाला लिप बाम, पुश्तैनी लिप बाम है। इसको लाए हुए 2-2.5 साल हो गए और खत्म नहीं होता ये। दीदी वाली बात है, हमारा ये लिप बाम। मैं इसको एज अ लिप बाम तो यूज करती ही हूँ, बट साथ साथ में थोड़ा सा ब्लश भी कर लेती हूँ आजकल। वैसे मैंने थोड़ा सा ये है ना, ब्लश लगाना कम कर रखा है, मैं यूज नहीं करती, मैं सिर्फ लिप बाम लगाती हूँ। बट स्टिल अगर आप कहीं जा रहे हो थोड़ा बहुत तो। सनस्क्रीन कहाँ कहाँ लग जाती यार। तो यस गाइस, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ मैं। एक आधे मैंने पहन लिया वॉच, और इस वॉच को ना मैं हमेशा चार्ज करना भूल जाती हूँ हमेशा। और जो मैं वो नहीं पहनती थी अपना कड़ा गोल्ड वाला यार, उसमें ना थोड़ी सी दिक्कत आई हुई है अभी फिलहाल के टाइम पे, तो मैं ये पहन रही हूँ एक हाथ में। लग तो रहा है थोड़ा शादी, पर ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते ना, इसलिए। Thousand years later. यश से ही पहनूंगी, यश से ही पहनूंगी। तो गाइस, निकल लिए हम, और मैं और यश निकल चुके हैं। बस अब 40-45 मिनट का रास्ता है, फटाफट पहुंचते हैं और मिलते हैं सबसे। बोलिए सबको अपना नाम बता दो। नाम बता, दिवाली मनाया। माय नेम इज देख मेरे मन देख के। और मैं आपकी क्या लगती हूँ? मेरी बुआ बोनी आई हुई है इधर, रूह में देख के बुआ बोनी आई है, मेरी फूफा जी आए हुए है, मेरी बूढ़ी दादी आई हुई है हमारे घर पे। मेरा नाम बताओ बाबा। डर जाते हैं ब्याह होने से। मेरे मोहित चाचू सबसे लाडला चाचू आया हुआ है, सबसे लाडला चाचू। अस्पताल कौन है रे भाई में।
कमरे में सोच लिया अपने खाना खा लिए जा रहे। अब मम्मी को बाय बोल दिया और यश गाड़ी पैक कर रहे हैं। पिताजी चलते हैं फिर है? बाय बाय। तो यस गाइस आ गए हैं हम घर पे और जस्ट अभी ऊपर आई हूँ मैं क्योंकि नीचे मम्मी के पास बैठी हुई थी थोड़ी देर और ऊपर आ गए क्योंकि नहाना था। गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, आके एसी चलाया। अब थोड़ी देर इसके आगे खड़ी होकर हवा ले रही हूँ फिर उसके बाद नहाऊंगी। और बस यार आ गए हैं पापा, जो मेरे बड़े पापा उनके मैंने बताया था कि नीज का ऑपरेशन हुआ है, मैंने सुबह बताया था आपको। तो अभी मतलब चलने लग गए हैं और जो टाके लगे हुए थे अभी वो थोड़े कच्चे हैं, बाकी चल फिर लेते हैं। और फिजियोथेरेपी वाली आ रही है, डेली थेरेपी होती है, नीज की एक्सरसाइज होती हैं। तो अभी तो बस यही अपडेट है पापा की हेल्थ पे। और बस यार बैठे बातचीत करी, वहाँ पे मज़ा आया। दो तीन घंटे जितने भी बैठे, खाना वाना खाया, बातचीत करी सबने, हंसी मजाक करे। और आ गए हम घर पे, अब नहाऊंगी सबसे पहले, मैं थोड़ी देर लेटूंगी और फिर नहाऊंगी, फिर उसके बाद जाते हैं नीचे, फिर देखते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको बाद में। गाइस नहा ली हूँ मैं और आ गई हूँ अपने सुबह वाले अवतार में, कंफर्ट जोन में। और अब जा रही हूँ नीचे, देखते हैं नीचे क्या चल रहा है। और नीचे जाके ये भी देखना है कि क्या बनाना है, यही जद्दोजहद जिंदगी में चलती जाएगी, क्या बनाए लंच में, क्या बनाए डिनर में। और मेरे ख्याल से सबके साथ यही है कि क्या खाएं, सबसे बड़ा यही एक क्वेश्चन होता है मेरे साथ तो होता है कि क्या खाया जाए आज। तो बस जा रही हूँ नीचे, यहाँ पे है ही नहीं मम्मी, शायद नीचे गई हुई है, कोई आया हुआ होगा। बस इतने थोड़ी देर बैठ जाते हैं, इतने मम्मी आती है, इतने मम्मी आई, जब मम्मी का थोड़ा सा दिमाग खाए, मम्मी क्या खाए बताइएगा। हाँ टीवी देख लेती हूँ या फिर फोन देख लेती हूँ। फोन मिस्टर मान आ गए फटाफट फटाफट फटाफट, आप इस पे दिखेंगे ये रे। तो भाई हमने डिसाइड करा कि आज हम खाएंगे डिनर में राइस, तो आज बने हैं राइस और पापा की बनी है रोटी। पापा राइस नहीं खाते हैं और मैं यश और मम्मी खाएंगे बस, तो हम तीनों के बने हैं राइस और पापा खाएंगे रोटी। तो गाइस आ गए हैं हम ऊपर और मैं ले आई हूँ अपने साथ में खीर, क्योंकि अभी खाने के लिए, क्योंकि ठंडी खीर खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और साथ में अपनी खीर ले आई हूँ, अभी खाऊंगी टीवी देखते देखते, टीवी में कुछ देखेंगे स्टफ़ थोड़ा सा और फिर उसके बाद सो जाएंगे। और इसके साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड और मिलते हैं हमसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और जाते जाते ब्लॉग को जो है लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। मुझे पता है मैं अभी काफ़ी लेट हो रही हूँ, मतलब वीडियोस डालने में काफ़ी लेट वीडियोस आ रही हैं, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है ट्रैक पे आ जाएगी। और आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि इतना टाइम तक आई वाज इनएक्टिव, बट अब धीरे धीरे जो है चीज़ें, मतलब मैं इतना वो नहीं लूँगी कि डेली बनाना है या कुछ है। अब जो मेरे पास कंटेंट मुझे लगता है कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, फिल्म करना चाहिए, मैं सिर्फ उतना ही करूँगी, ज़्यादा प्रेशर नहीं लूँगी, ताकि मैं जो है चीज़ें टाइम स्टोरेज की दिक्कत आ जाती है। हाँ तो भी क्या कह रही थी मैम, हाँ कि मैं चीज़ें जो है टाइम पे डाल सकूँ। तो बस करते हैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड, बाय बाय, टेक केयर।